मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक हैं। तकरीबन 5 महीनों बाद ये चुनाव होंगे और इन चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अहम रणनीतियां बनाई हैं इन चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। और इसी बीच राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना रहा है कि बीजेपी 2003 से सत्ता में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान कभी इतनी असंगठित नीरस नहीं दिखी, न ही मुख्यमंत्री चौहान इतने कमजोर दिखे। पार्टी में उनका ऐसा दबदबा रहा है कि उनका कोई विश्वसनीय विकल्प सामने नहीं आया। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी में असंतोष के स्वर बुलंद होते जा रहे हैं। वर्षों से चली आ रही गुटबाजी अब सतह पर आ रही है। सिंधिया के जो समर्थक है वो उनका साथ छोड़ रहे हैं और सिंधिया गुट में अब देखा जाए तो यहाँ पर दरार बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में देखा जाए तो आरएसएस मुख्यालय से सीधे नियुक्त किए गए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा गुटों के बीच मतभेदों को दूर करने में असमर्थ रहे हैं। नेता खुले तौर पर पार्टी और शर्मा के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं, सिंधिया के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों का कहना है कि नेता खुद को इस स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल सके। उनमें से कुछ ध्यान आकर्षित करने और अपना लक्ष्य हासिल करने के प्रयास में विवादास्पद बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में राजनीतिक तरीके से यहां पर घटनाक्रमों से निपटा जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि सिंधिया के 22 विधायक सिंधिया के साथ 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद अब देखा जाए तो वह असंतोष नजर आ रहे हैं और अब हाल ही में बैजनाथ सिंह यादव ने उनका साथ छोड़ा तो वहीं रवि यादव भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर सिंधिया के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं और यहाँ पर सीएम पद को लेकर वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने भाजपा को हराने का संकल्प लिया है और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता कमलनाथ को पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा बता रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 99% लोग कमलनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ अगर आमने सामने होते तो जीत किसकी होती है। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 2018 में कमलनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए कांग्रेस खेमे से जीत हासिल करने के बाद लेकिन महज 15 महीने में सरकार गिर गई जब सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। आप यहां पर क्या कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में आप राय अपनी जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।